Hello everyone, my name is Gaurav. Welcome to the video which is based on ratio and proportion. In this video we will discuss concept of ratio and proportion. Ratio and proportion bahut important topic hai aur comparatively bahut easy bhi. Important isliye kyunki is topic se direct question to milte hi milte hain. Uske saath mein ratio and proportion mein jo aap concept seekhte ho वो यूज होते हैं चैप्टर्स लाइक परसेंटेज टाइम इंटरवल टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ जो कंसेप्ट हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीखेंगे वो यूज करेंगे बाकी चैप्टर्स में तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जाम्स में एग्जाम्स की बात करूँ मैं अगर मैनेजमेंट एग्जाम की बात करता हूँ तो लाइक कैट जी मैट जी आर ई जैट सभी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं और बहुत इजी भी होते हैं उसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी, सीडीएस, एसबीआई, पीओ क्लर्क सभी जगह स्टेप्स से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं जो कि बहुत इजी भी होते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन ओके सो व्हाट इज रेशियो इसको हम दो पार्ट में देखेंगे फर्स्ट पार्ट में रेशियो देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में प्रोपोर्शन सो व्हाट इज रेशियो Ratio, we get ratio when we compare two same kind of quantities by dividing one quantity with other. इसमें याद रखना है ये क्या same kind of quantities इनको हम हमेशा क्या करते हैं ratio में same kind की जो quantities होती हैं उनका unit same होना चाहिए हम उन्हीं को compare कर सकते हैं तो वो क्या होता है हमारा ratio होता है in simple word क्या बोलते हैं कंपैरिजन को हम रेशियो बोलते हैं अगर मुझसे बोला जाए ए और बी का रेशियो लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे ए इज टू बी बोलते हैं ए इज टू बी और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी ये दोनों क्या है रेशियो फॉर्मेट इसका देखते हैं हम एग्जाम्पल इसको और समझने के लिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है बहुत सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं द रेशियो ऑफ 5 मीटर एंड 7 मीटर 5 मीटर 7 मीटर का रेशियो अगर मेरे को लिखना है तो अगर मैं इसको अज्यूम करता हूँ एक ए और ये बी दो क्वांटिटी हो गई मेरी मेरे को लिखना है ए इज टू बी क्या लिखूंगा यहाँ से 5:7 और इसे ऐसा लिख सकता हूँ मैं 5/7 ये हो गया अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं द रेशियो ऑफ 5 मीटर एंड 7 सेकेंड्स तो ये मैं फाइंड आउट करना है इसको अज्यूम करता हूँ मैं पी इसको क्यू तो मैं लिखना है पी इज टू क्यू ये रेशियो फाइंड आउट करना है तो ये ऐसा कुछ लिखना चाहिए फर्स्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग जैसा फर्स्ट में किया है तो सेकंड में अभी कुछ लोग बोलेंगे हाँ ये सही है लेकिन नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्या है मीटर यहाँ पर यूनिट क्या है सेकेंड्स तो मैंने बोला था जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं सेम काइंड की क्वान्टिटीज को कंपेयर करते हैं तो सेम काइंड की क्वांटिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर क्या है ये डिफरेंट है ये मीटर में ये सेकंड्स में तो हम इन दोनों का रेशियो नहीं लिख सकते तो यहाँ पे हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते क्लियर इसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जांपल इन अ क्लास देर आर 40 बॉयज एंड 50 गर्ल्स फाइंड आउट रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स अभी बॉयज टू गर्ल्स हमें रेशियो फाइंड आउट करना है Boys to girls, तो ये ऐसा हो जाएगा boy और ये girl, ये क्या होना चाहिए 40/150 नंबर ऑफ बॉयज क्या है 40 नंबर ऑफ गर्ल्स 50 अभी ये हो गया रेशियो लेकिन अभी क्या है इसमें से कुछ डिवाइड भी हम कट कर सकते हैं ना इसमें 0-0 से हमने कैंसिल कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया 4/5 एक्चुअल में ये जो फॉर्म होते हैं ये क्या होता है हमारा ये होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो इसका क्या मीनिंग होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो बेसिकली होता है जब जो भी क्वांटिटीज होती हैं हमारी आप जब हम रेशियो लिखते हैं तब उसमें क्या होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ शुड बी 1 ये होना चाहिए हमारा जो भी क्वांटिटीज हैं अभी 4 और 5 है 4 और 5 का HCF क्या है 1 और इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं तो उसके लिए सेकेंड पॉइंट है हमारा
each quantity is divided by HCF to convert the ratio in simple form. 40 और 50 में का जो भी HCF था उससे हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया. क्लियर? इन दोनों में 10 कॉमन. और इसको हम और इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 10 एंड 5 × 10. यहां पे ये क्या है, ये दोनों में कॉमन पार्ट है. तो इसे हम क्या करते हैं, जब भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को लिखते हैं तो हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं. तो यहां से हमारा क्या मिलता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो मिलता है, वो क्या होगा हमारा 4:5. यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बॉयज टू गर्ल रेशियो क्या है हमारा, 4:5. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/5. क्लियर? तो ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो. इसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टीज, आती हैं दो प्रॉपर्टी होती हैं रेशियो की, जो कि बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस टॉपिक में समझने वाला. से ए और बी का अगर मैं रेशियो, ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, ये हमारा रेशियो फॉर्मेट में लिखा हुआ है. अगर हम किसी एक नंबर सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक एम से मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या इस पर रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये इन द एंड ये दोनों कैंसिल आउट होने वाला है. और इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज टू बी इक्वल्स टू एम ए इज टू एम बी. करेक्ट? तो किसी सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों क्वांटिटीज में, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, अब जैसा फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दोनों क्वांटिटीज को, ए अपॉन एम बी अपॉन एम. तो अगर हमें इसको रेशियो फॉर्मेट में लिखना होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन एम बी अपॉन एम. इसको हम एग्जाम्पल से और इजी वे में समझेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा इसमें टाइप ऑफ रेशियो. कभी कभी एग्जाम में कुछ टर्म्स गिवन होते हैं, इनका टर्म का मीनिंग हमें पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमें पता नहीं लग पाएगा क्वेश्चन में क्या पूछ. एक डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, ए इज टू बी कोई नंबर गिवन है लाइक 4:5 गिवन है. अगर हमने पूछा जाता है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, हमें क्या कर, वो क्या होगा, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. ए और बी का यहाँ पर अगर हमें फाइंड आउट करना है डुप्लीकेट रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा, 4:16, 5:25. करेक्ट? ये क्या हो गया हमारा डुप्लीकेट रेशियो. सेकेंड आता है हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी. तो सेम अगर ये वैल्यूज है हमारे यहाँ पर 4:5 ए और बी की, तो हमें अगर सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना होगा इस केस में, तो वो क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो होगा इस केस में हमारा √4/√5. और इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो गया 2:√5. करेक्ट? ये हो गया हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी. इसके बाद आता है हम ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी. ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, हम क्यूब्स कर देते हैं हम क्वांटिटीज का. अगर ए इज टू बी 4:5 है, तो हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब होना चाहिए. तो ए क्यूब बी क्यूब 4:5 पे क्या होगा, 4 क्यूब क्या होगा, 64, 5 क्यूब 125. ये क्या हो गया हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी. करेक्ट? ए और बी की वैल्यूज क्या थी हमारी, 4:5 थी. अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो. ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है हमारा, क्वांटिटीज का क्यूब हो जाता है ट्रिप्लीकेट रेशियो में. तो यहाँ पे हमने क्यूब कर दिया 4/5 का, 4³ = 64, 5³ = 125. उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा टर्म सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. जैसा हमने देखा डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट रेशियो, ऐसा ही होता है हमारा ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट. सब ट्रिप्लीकेट में हम क्या करते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं. सब डुप्लीकेट में हमने क्या किया था, अंडर रूट फाइंड आउट किया था. सब ट्रिप्लीकेट में हम क्या करते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं. तो सेम हमें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए एंड क्यूब रूट ऑफ बी. ये वैल्यूज हमारी क्या है,
ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 4 एंड क्यूब रूट ऑफ 5, ये हो गया हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो। उसके बाद आता है इनवर्स रेशियो ऑफ एज टू बी। एज टू बी का इनवर्स रेशियो फाइंड आउट करना है तो एज टू बी का इनवर्स रेशियो क्या होगा, बी इज टू ए, ये होगा हमारा इनवर्स रेशियो। तो एज टू बी हमारा 4 इज टू 5 था तो बी इज टू ए क्या हो जाएगा हमारा 5 इज टू 4, ये क्या हो गया हमारा इनवर्स रेशियो ऑफ एज टू बी। नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड रेशियो ऑफ ए इज टू बी एंड सी इज टू डी। कंपाउंड रेशियो जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ए इज टू बी और सी इज टू डी कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है तो ए इंटू सी एंड रेशियो बी इज टू डी, करेक्ट। तो हमें ये करना है ए इज टू बी, ये था यहां पर, एंड सी इज टू डी, तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा ए सी इज टू बी डी, ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड रेशियो ऑफ ए इज टू बी एंड सी इज टू डी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो भी अभी तक हमने कंसेप्ट देखा है अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसको कैसे अप्लाई करना है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, डिवाइड 480 इन द रेशियो 2:3, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है हमें 480 को, 2:3 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है, तो इसका मीनिंग क्या है पहले हम ये देखते हैं। 2:3 में अगर हमें एक 480 अमाउंट, बहुत सिंपल वे में इसको देखते हैं जो अब तक हमने देखा है, इसको 2:3 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है, और इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 480 को हम अगर 5 पार्ट में डिवाइड कर दें और उसके बाद उन 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट हम यहां दे दें, 3 पार्ट हम यहां दे दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इनडायरेक्टली यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में, 480 को हमें 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो हमने किया क्या, हमने किया 480 इंटू 1/5, ये किया, यहां से इसको कैंसिल आउट करके क्या आएगा 9 और 6, ये हो गया 96। 96 क्या है, 1/5 पार्ट, मीन्स 1/5 पार्ट एक पार्ट हो गया। अब 96 एक पार्ट हो गया, हमें पता है इसको हमें क्या करना है, 2 पार्ट यहां देना है और 3 पार्ट यहां देना है, तो यहां पर क्या हो गया 96 इंटू 2 और यहां पे क्या हो गया 96 इंटू 3, ये हमारा आंसर हो गया, 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो गया है। और इसको हम देखते हैं एक और मेथड से, जो हमने ये किया है सेम चीज को ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करना है, ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करना है वो देखते हैं। अभी क्या करना है हमें, 480 को लिखना है हमें 2:3 के रेशियो में, बेसिकली सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो भी रेशियो गिवन होता है उसका हम सम करते हैं, 2 और 3 क्या हुआ 5, 5 पार्ट में हमें डिवाइड करना है और 5 पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है 2, तो 2 आउट ऑफ 5 इंटू 480, बेसिकली यहां पे क्या हुआ, ये वैल्यू आई जो फर्स्ट पार्ट है रेशियो, ये क्या हो गया हमारा 3 आउट ऑफ 5 इंटू 480, ये हो गया हमारा सेकेंड, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह इजी है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, इसमें जो डिवाइड करना है रेशियो गिवन है हमें वो क्या है फ्रैक्शन पार्ट में गिवन है, तो फ्रैक्शन पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो पहले इसी पे वर्क करते हैं। यहां पे क्या है, ये 1/7, 1/8 एंड 1/2, ये हो गया हमारा। अभी जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन गिवन हो हमें रेशियो के फॉर्मेट में, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर उसका क्या करना है हमें एलसीएम लेना, तो 7/8 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 7/8 2, एलसीएम इनका क्या हो जाएगा 56, 7/8 56, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब इस एलसीएम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 56/7, 56/8 एंड 56/2, ये हो गया।
तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 8 56, 8 7 56 एंड 2 28। अभी ये क्या हुआ, हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट में था इसको हमने चेंज कर लिया इंटीजर फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में बना लिया इसको। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये तो क्वेश्चन फर्स्ट टाइप हो गया, जैसे हमने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था 2 3 में डिवाइड किया था, तो वहां हमें पता है हमने क्या किया था। सबसे पहला काम हम करते हैं सबका सम करते हैं, सम क्या हो जाएगा, 28 7 35 35 8 43। तो सम हो गया हमारा 43। अभी 43 फर्स्ट ये क्या है, ये हमारा 8 out of 43 ऑफ 153, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड क्या होगा हमारा, सेकेंड हमारा होगा 7 out of 43 ऑफ 153। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, 28 out of 43 ऑफ 153। अभी क्या हो गया हमारा, यहां से आंसर आ जाएगा। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको आपको कैलकुलेट करना है, कुछ लोग कुछ काम आप लोग भी करोगे ना, करेक्ट। तो यहां से क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा, तीनों रेशियो आ जाएंगे यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए टू बी गिवन है 3:5, बी टू सी गिवन है 7:4, मैं फाइंड आउट करना है ए टू बी टू सी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें जो भी पार्ट कॉमन होते हैं, बी कॉमन है दोनों में, ए टू बी हमारा क्या गिवन है, ए टू बी हमारा है 3:5 एंड बी टू सी गिवन है हमारा 7:4। फाइंड आउट करना है ए टू बी टू सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमारा कॉमन पार्ट है बी, बी यहां पर है 5, बी यहां पर है 7। तो जो भी बी पार्ट होता है तो ए टू बी हमारा हो गया 3:5। अब जो सेकेंड पार्ट, जो यहां पर 5, ये हमारा बन जाता है न्यूमरेटर और ये बन जाता है डिनोमिनेटर। किस चीज के लिए बनता है ये, 5:7, ये 5 हमने यहां लिया है, ये 7 हमने यहां लिया। अब इस 5 वही 7 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो बी टू सी हमारा गिवन होता है, रेशियो 5:7 × 4। तो ये एक कॉफिशियंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो सेकंड रेशियो हमारा गिवन होता है, और वो कॉफिशियंट आता कहाँ से है, वो कॉफिशियंट आता है जो भी पार्ट कॉमन होता है, बी यहाँ पर कॉमन था, यहाँ पे ये बन जाता है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 7। तो ये कॉफिशियंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो रिमेनिंग रेशियो होता है हमारा, बी टू सी में हमने मल्टीप्लाई किस कर दिया 5:7 से, तो ये 7:7 कैंसिल आउट हुआ। तो ये क्या हो गया, बी टू सी हमारा 5:20/7। अभी ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इससे हमने मल्टीप्लाई किया ये क्यों किया, ये हमने इसी वजह से किया है क्योंकि जो पार्ट कॉमन है हमारा, बी कॉमन है यहाँ पर, तो इसको हमें सेम बनाना है। तो इसको सेम करने के लिए हमने क्या किया, अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, बी यहाँ पे भी 5 हो गया और बी यहाँ पे भी क्या है 5। अभी हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, अभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए टू बी टू सी, ये हमारा था 3:5 और ये भी हमारा पे यहाँ पे क्या है 5, ये 20/7। अब इसको अगर हमें 7 को रिमूव करना है यहाँ से, तो 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे में, ये क्या हो गया 21, ये क्या हो गया 35 और ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो गया हमारा ए टू बी टू सी हो गया हमारा, करेक्ट। सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड इजी है कंपैरेटिवली फर्स्ट वन से। यहां हमें क्या करना है, ए टू बी हमारा गिवन है 3:5, बी टू सी गिवन है हमारा 7:4। सेम अप्रोच अप्लाई करना है हमें, स्टार्ट हमें सेम तरीके से करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन पार्ट, कॉमन हमारा है बी, दोनों रेशियो में बी कॉमन है,
तो जैसे हमने जो लास्ट मेथड में किया था, हमने क्या किया था, बी को सेम किया था, सेम कंसेप्ट यहां भी हमें फॉलो करना है, बी को हमें सेम करना है। तो बी को सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ये बी, यहां पर हम इस पूरे टर्म में, पूरे रेशियो में 7 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहां पर इस पूरे में हम क्या कर लें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। यहां ये क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 35। एज टू बी क्या हो गया यहाँ पे, 21:35। यहाँ बी इज टू सी क्या हो गया, 35:20। यहाँ पे हमारा मेन टास्क क्या था, हमें बी को सेम बनाना था। बी यहाँ क्या हो गया, 35। बी यहाँ क्या हो गया, 35। सेम हो गया तो हम कंबाइन कर सकते हैं इजीली, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स टू 21:35:20। ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन पी इज टू क्यू इज टू आर इक्वल्स टू 2:3:5, ये हमें गिवन है। क्या गिवन, हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 152। देन फाइंड द वैल्यू 2p-3q प्लस 2r, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, यहाँ पी क्यू आर का वैल्यूज गिवन होता डायरेक्टली, तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पर और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहां पर वैल्यूज हमें गिवन है रेशियो में, तो हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे पी क्यू आर। तो ये क्या, ये 2x हो गया, ये 3x, ये 5x। इसको ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि कोई x एक फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये हमें रियल वैल्यू मिलती है। तो अब ये वैल्यूज हमें मिल गई, अब ये वैल्यूज हम कहाँ पुट करते हैं, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो 2x² + 3x² + 5x² इक्वल्स क्या है, 152। ये हो गया, अभी ये क्या हो गया, 4x² + 9x² + 25x² इक्वल्स टू 152। यहां से हमने सम किया, ये क्या हो गया हमारा 25, 9, 34 एंड 4, 38। x² = 152। अभी 38 से डिवाइड किया है यहाँ पे, तो ये हो गया x² = 4। तो हमारा क्या हो गया, x = 2 हो गया। अभी x = 2 हो गया, अब मैं पता है, अब ये वैल्यूज x की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो p क्या हो गया हमारा, 4, q हो गया यहाँ से हमारा 6, और आर हो गया हमारा यहाँ से 10। अब ये वैल्यूज मिल गई हमारी, ये वैल्यूज मिल गई, तो हम इनको यहाँ पुट करके आंसर कर देंगे। ये क्या होगा हमारा, 2p 4:2 - 3q 3:6 + 2r 2:10, ये हो गया हमारा 8, हो गया हमारा 18, हो गया हमारा 20। ये हुआ 28 - 18, 10 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेशियो एक्स टू वाई इक्वल टू 3:5, फाइंड द रेशियो x + 3y = 6x - 3y। ये फाइंड आउट करना है हमें, x + 3y / 6x - 3y ये फाइंड आउट करना है हमें। और हमें गिवन क्या है, x/y = 3/5, ये हमें गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मेथड तो ये है, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5x = 3y, ये हो गया। अब हमें पता है क्वेश्चन है हमारा 3y 3y के, 3y की जगह हम 5x पुट कर सकते हैं ना, तो ये हम यहाँ पे ऐसा कर देंगे, x + 3y की जगह 5x पुट किया हमने, और ये 6x - 3y की जगह 5x पुट किया, ये क्या हो गया हमारा 6x/x, ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया हमारा 6/1, ये हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अभी सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड कैसे करना है। सेकंड मेथड से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हमें पता है x/y = 3/y हमें गिवन, तो हम क्या करते हैं, x + 3y
और ये 6x माइनस 3y को हम क्या करते हैं, यहां पर हम पूरे न्यूमरेटर को 1 अपॉन यहां पे y से डिवाइड करते हैं और यहां पे भी y से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x अपॉन y प्लस 3, y से y कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 6x अपॉन y माइनस 3, y से y कैंसिल आउट हो गया। ये हमने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि हमें x प्लस y की वैल्यू पता है, यहां पर वो क्या है 3 अपॉन 5, तो हमने वैल्यू पुट कर दी x अपॉन y 3 अपॉन 5 प्लस 3 और ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे 6 इंटू 3 अपॉन 5 माइनस 3। अब इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा 3 प्लस 15 अपॉन 5 और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये हमारा क्या हो गया 18 माइनस 15, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया हमारे यहाँ पे, ये हो गया हमारा 18, 15 प्लस 3 18 और 18 माइनस 15 3, तो ये भी हमारा हो गया 6 अपॉन, दोनों से आंसर आ गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही है, इसमें हम एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करेंगे, जो इस अप्रोच को यूज करके हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। x अपॉन y यहाँ पे क्या है 3 अपॉन 5, हमें फाइंड आउट करना है x प्लस y स्क्वायर अपॉन 7x प्लस 9y। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ 1 पावर, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारा 1 1 पावर था, तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब देखो हम डिफरेंट अप्रोच ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड, यहाँ पे क्या करना है हमें पता है, जैसा हमने पहले एक क्वेश्चन अभी किया था, ये हमारा 3:5 ऐसा गिवन है, तो हम x की वैल्यू ज़ूम कर सकते हैं 3a और y 5a, कोई एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू हमें मिल जाती है, जो जिसको कट करके हमें रेशियो मिलता है। तो ये वैल्यूज क्या करना है हमें क्वेश्चन में पुट करना है, तो x की वैल्यू पुट किए क्या हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर 9a स्क्वायर 525a स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 7x है ना, तो यहाँ पे 21a और ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से 5a 5 9 45, ये हो गया हमारा, ये तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इसको हमने सम किया 34a स्क्वायर और ये हमारा क्या हो गया 2065 प्लस 1 66, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर क्या बचा यहाँ पे 34 अपॉन 66 इंटू ए। अभी साथ में क्या आ रहा है ए, और ए तो हमने क्या किया था, खुद से अज्यूम किया, यहां पर क्या है डेटा जो है इनसफिशियंट है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, क्योंकि यहां पर अभी भी ए बच रहा है जो कि हमने खुद से अज्यूम किया, तो यहां पर आंसर क्या होगा, डेटा इनसफिशियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर्स देन फाइंड आउट एक्स इज टू वाई, और हमें एक क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 5xy, ये हमें गिवेन है। अभी हम सबसे पहला और हमें फाइंड आउट क्या करना है, x टू y हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम काम क्या कर रहे हैं, इसको y स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं पूरे इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस माइनस 5xy अपॉन y स्क्वायर, ऐसा हमने इसीलिए किया है y स्क्वायर से डिवाइड किए, क्या कर रहे हैं हम y स्क्वायर से डिवाइड करके इसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, कैसे, ये तो हो गया हमारा x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारा माइनस 5xy, y से y कैंसिल आउट हुआ है। अभी हमने क्या किया, x अपॉन y को हमने अज्यूम कर लिया a, a अज्यूम कर लिया, तो हम ये इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा a स्क्वायर हो गया 6 और इधर हो गया माइनस 5a, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 5a
प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। अभी ये अब बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को आगे हम फर्दर फैक्टर्स कर सकते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू ए प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, हो गया ए ए प्लस थ्री, हो गया कॉमन टू, ए प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ए प्लस थ्री यहाँ से कॉमन लिया दोनों से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये आपको दूसरे वीडियोस में पता लगेगा, तो अभी ये डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ पे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए की दो वैल्यूज आ गई, माइनस थ्री और माइनस टू, और ए हमारा क्या है, ए हमारा है एक्स अपॉन वाई, यही हमने किया था। तो ये क्या हो गया, माइनस थ्री और माइनस टू। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर, तो ये आंसर हमारा क्या होगा, पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। तो इनकेस ऐसा कुछ है, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, अगर ऐसा कुछ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन। और इसको हम प्रपोर्शन के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, ए इज टू बी सी इज टू डी, ये क्या होता है हमारा प्रपोर्शन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है रेशियो एंड प्रपोर्शन में। ये होता क्या है देखते हैं, लाइक एक एग्जाम्पल, जैसा ऐसा कुछ गिवन है ए इज टू बी इक्वल टू थ्री इज टू फाइव, अगर हमें एक कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है यहाँ पर, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ऐसा कुछ रेशियो गिवन होता है, तो इसमें न्यूमरेटर की जगह हम क्या, न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड करके लिखते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और यहाँ पे हम न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं। सेम चीज लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, सेम राइट हैंड साइड में करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और यहाँ पर डिनोमिनेटर की जगह पर लिखना है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये हो गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एट अपॉन टू, और ये फोर। तो ये क्या होता है हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये तो हो गया रूल। ये कैसे यूज करना है जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।